मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक और दिस इज सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर। इसका नाम है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर जो कि चार्ज कंडक्टर है और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, चालक की प्रॉपर्टी होती है। हम जानते हैं कि उसको अगर हम चार्ज देंगे तो कहाँ रहेगा, यस उसकी सरफेस पे। तो उसकी सरफेस पर फोर्स कितना लगेगा और फोर्स निकालेंगे उसका तो हम इस पर प्रेशर निकालेंगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो दोनों चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको समझने के पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि वही हम किसी भी टॉपिक में क्या करते हैं, उसका फंडा, उसका टॉपिक, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उस टॉपिक का, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, हमारे पास सपोज तो अभी एक मैं स्फीयर ले लेता हूँ, एक ये कंडक्टर है, इसको अगर अपन ने चार्ज दिया तो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि स्फीयर है ये। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम चार्ज देते हैं तो देखिए, मैं अगर बात करता हूँ ये इस तरह से है सपोज ऐसे, तो जहाँ पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है, डेंसिटी कम होगी। जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होता है वहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। दैट इज अ प्रॉपर्टी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज एडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो ये बात करते हैं, एक्सपेक्ट लिया हमने, एक चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर है चालक है, सुचालक जिसे कहते हैं, तो उस पर चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पर रहेगा। ओके, ये मेटल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे ही आप एक चीज़ जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, तो आंसर है रेडियली आउटसाइड। ऐसे चारों ओर क्या होगा, बाहर इस सरफेस के ऐसे गोला है, उस गोले के परपेंडिकुलरली हर डायरेक्शन में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की ओर है परपेंडिकुलरली, तो यू इमेजिन कीजिए कि ये चार्ज प्लस रखा हुआ है यहाँ पर इसकी सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तो ये फोर्स किधर फील करेगा, किधर फोर्स इस पर लगेगा, तो आंसर परपेंडिकुलरली बाहर की ओर। समझ में आ रही है, या यूँ समझ सकते हैं, दूसरा अप्रोच ये है कि देखिए, ये एक चार्ज को कंसिडर कीजिए, अकेला चार्ज है, बाकी जो इतने चार्ज बचे हैं वो देखिए सेम नेचर का चार्ज है, तो आपस में क्या करेगा, रिपल्शन, यस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेगा तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये सारे के सारे चार्ज मिलकर इसको किधर रिपेल करते होंगे, आंसर उधर पीछे की तरफ। तो हमेशा किसी भी चार्ज पर, हम इस पर चार्ज डालते हैं किसी भी कंडक्टर पर, तो उस पर एक फोर्स लगता है, जो किधर लगता है, परपेंडिकुलरली आउटसाइड लगता है। ये तो वही इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो सेम चार्ज क्यों, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर प्लस चार्ज रखूँगा, माइनस चार्ज डालेंगे भेजेंगे, तो चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चार्ज कम हो जाएगा। तो प्लस चार्ज ही हम डालते हैं इस पर, तो एक बार प्लस डाला तो और प्लस डाला, तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है, तो इसलिए वो उस पर फोर्स किधर लगेगा, परपेंडिकुलरली बाहर की ओर लगेगा। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करें इसको, ठीक है। उसके लिए सपोज इसका जो रेडियस है, हमने मान लिया कैपिटल आर इसका रेडियस है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या मान सकते हैं, मान लिया ठीक है, दो चीज़ें होंगी। अब देखिए, अगर मैं बाहर इसके पास, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि बताइए कि इसके पास में कोई नियर, बहुत नज़दीक एक कोई पॉइंट है यहाँ, ठीक है, उस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये बहुत नज़दीक सरफेस से काफ़ी नज़दीक पॉइंट माना हमने कि ई की वैल्यू यहाँ क्या होगी। ओके, तो नजदीक पॉइंट पर ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर या स्फीयर है उसकी वजह से उसके बाहर दिस डिस्टेंस इज सपोज स्मॉल आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो आंसर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है। क्यू सपोज गिवन नहीं है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, सो क्यू सिग्मा गिवन है तो चार्ज कितना, सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया, तो आंसर है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
ये इस पर चार्ज कितना होगा, तो इतना चार्ज होगा ओके। और बिकॉज ये बहुत नज़दीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत नज़दीक पॉइंट माना है, तो इसलिए आर और स्मॉल आर लगभग इक्वल होंगे, ठीक है, लगभग इक्वल होंगे, तो मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर को कर सकता हूँ। सो आर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए नहीं की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दिया, ये मेरे पास क्या बच गया देखो, तो ई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ई की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर स्क्वायर 4 पाई और के सिग्मा इंटू 4 पाई, के सिग्मा 4 पाई आ गई, और व्हाट इज के, आंसर है के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई फिर से कैंसिल आउट हुआ, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमने एक चीज कैलकुलेट क्या कर ली कि इसके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इस चार्ज सरफेस के स्फीयर के या गोले के बिल्कुल नजदीक अगर बात करते हैं तो हम एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि उस चार्ज सरफेस के स्फीयर के बिल्कुल नजदीक अगर आप बाहर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यह कैलकुलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फोर्स कितना लगता है, तो देखिए इसको मैं ऐसा करता हूं, इस पूरे स्फीयर को हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया छोटा सा, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ओके, इस ए बी को कंसीडर करता हूँ, इसका एरिया डेल्टा एस मान लेते हैं, छोटा सा एरिया मान लेते हैं, ठीक है, और इस छोटे से एरिया पर चार्ज कितना होगा, तो सपोज डेल्टा क्यू चार्ज इसके हिस्से में आ रहा है वो मान लेते हैं, दिस इज बी, ए बी इसका नाम दे दिया, इस वाले इस वाली जगह को हम ए बी नाम बताएंगे, बाकी जो बच गया उसको एक सी लिख देते हैं, दैट इज नॉट अ पॉइंट, हम इसको ए बी सी बोलेंगे, द रिमेनिंग एरिया है ए बी पार्ट के अलावा, ए बी एक छोटा सा एरिया लेंगे, बाकी जितना गोला पूरा बच गया वो क्या उसका नाम देंगे ए बी सी, ओके। तो देखिए अगर मैं ये कहता हूँ कि ए बी जो है इसकी वजह से इंटेंसिटी, अगर इसका नाम दे देते हैं ई वन, सपोज इस पॉइंट पे बाहर इसकी सरफेस के करीब जो एक पॉइंट है बाहर बिल्कुल नजदीक, उस पर ए बी की वजह से इंटेंसिटी किधर होगी, आंसर पॉजिटिवली चार्ज है बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इधर होगी, इसका नाम दिया ई वन, बचे हुए शेष जिससे रिमेनिंग पार्ट ए बी सी की वजह से ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से इंटेंसिटी, देखो ये राइट साइड में इसके ये सारा चार्ज इस पर किधर इंटेंसिटी लगाएगा, वो भी लगाएगा इस तरफ, उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, नाम दे दिया ई टू, ठीक है। फिर से ए बी की वजह से जो इंटेंसिटी होगी उसका नाम क्या दिया ई वन, और बाकी जो बच गया ए बी सी की वजह से उसका नाम दिया ई टू, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इस स्फीयर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा अंदर जाते करीब पॉइंट है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन देखते हैं, तो देखो ए बी चार्ज है उसकी वजह से किधर होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा इंटेंसिटी क्या रखता है अपने से बाहर की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र हमेशा किधर होता है अपने से दूर बाहर, प्लस चार्ज की वजह से किधर, तो ई वन की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, और ये बाकी जो बच गए ए बी सी, तो मेजोरिटी ऑफ चार्ज इस तरफ है, तो किधर इस पॉइंट पर लगाएगा इंटेंसिटी, आंसर है इस तरफ, तो अंदर इनसाइड एक पॉइंट हो गया, आउटसाइड एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, आप नॉमिनक्लेचर भी कर सकते हैं इसको, मान लो एक्स पॉइंट मान लिया, इसका वाई पॉइंट मान लिया, तो एक्स पॉइंट पर इवन वी टू इस तरफ है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अंदर, ठीक है, ये दो पॉइंट मान लिए, तो हम लोग आगे देखते हैं, देखिए आई होप आपको सही दिख रहा होगा, इसमें डायग्राम में थोड़ा सा इनफैक्ट सजेस्टेड हो गया, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ, हमने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया आउटसाइड पॉइंट पर, हम देखते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट एक्स, मतलब कहाँ पे है, आंसर है आउटसाइड, उस पर इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ को देखकर, तो देखो इतने से पार्ट की वजह से ई वन, बचे हुए पार्ट की वजह से ई टू, टोटल स्फीयर की वजह से आंसर है ई वन प्लस ई टू, ये इंटेंसिटी होगी, और अभी इससे जस्ट पहले हमने इसी पॉइंट पर इस पूरे स्फीयर से इंटेंसिटी कैलकुलेट करी, वो कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
इक्वेशन वन से हम वैल्यू रख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखिए हम ये कह रहे हैं छोटे से इस पार्ट की वजह से ई वन, बचे हुए पार्ट की वजह से ई टू, तो टोटल तो किसकी वजह से आई, स्क्वायर की वजह से आई ना ई वन प्लस ई टू। उसकी वैल्यू हमने पता की थी अभी कि इस सरफेस के बड़े नजदीक अगर कोई पॉइंट है उस पर कितनी इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने टाइप किया किसी भी कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र तीव्रता जीरो होगी। यस, इनसाइड जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, इनसाइड अगर ई जीरो होगा इट मींस इन दोनों का वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो आएगा, दोनों अपोजिट हैं। हम ये कह सकते हैं कि ई वन पॉजिटिव ले, ई टू नेगेटिव ले सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो जीरो मतलब इंटेंसिटी इन दोनों का ई वन माइनस ई टू दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो, बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो मान लिया हमने। ये अंदर की सिचुएशन बनी। इट मींस यहाँ से हम एक चीज सीखे, ई वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई टू लिख सकते हैं। ओके, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा, इवन की जगह ई टू रखो, तो ई टू प्लस ई टू इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा टू ई टू इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई टू की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ई टू इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी ई टू की वैल्यू। समझ में आ रही है, व्हाट इज ई टू, ई टू हमने माना हुआ है रिमेनिंग पार्ट एबीसी की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो ध्यान से समझिए, हम इसमें यहां ये मान सकते हैं कि जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो छोटा सा एबी रखा हुआ है, एबी पार्ट है, ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मान सकते हैं इसको। देखो एबीसी जो पार्ट है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या मान सकते हैं कि ए बी एक छोटा सा चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन, छोटा सा चार्ज का एक टुकड़ा रखा हुआ है। समझ पा रहे हो, ए बी सी जो रिमेनिंग इतना पार्ट है, इसके अलावा ए बी को हटा दो, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक क्या रखा हुआ है, चार्ज, कितना चार्ज, हमने माना डेल्टा क्यू, कितना सा चार्ज ये रखा, जिस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, यस लगेगा, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, फोर्स या बल ऑन पार्ट ए बी या चार्ज ए बी, इसमें कितना चार्ज आएगा, डेल्टा क्यू ड्यू टू कौन सा पार्ट, मैं अगर शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिमेनिंग पार्ट ए बी सी, उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या है। सपोज ये छोटा सा एरिया है, इस पर छोटा फोर्स लगता है, दैट इज डेल्टा एफ, और इस फोर्स का नाम फोर्स हो गया। फोर्स कैसे निकालते हैं, आंसर है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हम लिख देते हैं वी नो दैट फोर्स क्या होता है, क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्यू चार्ज रखेगा उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आंसर है क्यू इंटू ई। तो ई कौन है, ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें रखा कौन है, डेल्टा क्यू चार्ज रखा है, उस पर फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ई टू की वैल्यू हम जानते हैं, डेल्टा क्यू हम नहीं भी जानते, वी कैन कैलकुलेट, कैसे, सिग्मा दिया है, सो डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा यूनिट सरफेस एरिया का चार्ज होता है, डेल्टा एस एरिया है, डेल्टा क्यू चार्ज कितना हुआ, तो आंसर है सिग्मा इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस इंटू ई टू की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा एस, ये समझ पा रहे हैं आप लोग, इतना फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया पर लगता है, जब इतना फोर्स इतने छोटे एरिया पर लगता है तो टोटल एरिया पर कितना फोर्स लगता हो, तो आंसर है ये वैसे एक्सप्रेशन हमारा कितना बन गया, जितने से पे टोटल कंप्लीट सरफेस एरिया पर फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन कर देते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस सरफेस, इसकी कंप्लीट सरफेस का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, कंप्लीट कर्व्ड सरफेस क्या होती है हम लोग जानते हैं, तो दैट विल बी 4πr2, या हम कैलकुलेट नहीं भी करें तो हम लोग इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जैसी सरफेस होगी या सिमेट्रिकल है, बट इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, नॉन सिमेट्रिकल होगी तो भी उस सरफेस के रिगार्डिंग ही हम क्या करेंगे,
आंसर कितना फोर्स लगता है, डायरेक्शन कितना होती है, आंसर है आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटसाइड, यही होती है डायरेक्शन। हमें पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा तो इन चार्जेस पर फोर्स भी कितना लगता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को बाहर धकेलेगा, रिपल्शन होगा तो पूरे के पूरे चार्ज पे ऐसे बाहर की ओर फोर्स लगता है, पूरे कंडक्टर पे एक्चुअली। तो अब ये चीज तो आ गई, एक नया एक एक्सप्रेशन और जो कि हमारे बहुत काम आएगा, अगर मैं इस पूरे सरफेस एरिया का डिवाइड कर दूं फोर्स में, जो यहां से देख लेते हैं अपन, तो यहां से देख लेते हैं दोनों एक ही बात है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से लिख देता हूं कि अगर हम डेल्टा एस का डिवाइड इधर ले आगे कर देते हैं, क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया क्या होता है, प्रेशर, यस। तो ये हो गया प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर की बोल ले तो इलेक्ट्रिक, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत दाब, प्रेशर मतलब विद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इतना इलेक्ट्रिक प्रेशर किसी एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर लगता है, मींस पर इसकी डायरेक्शन कितना होती है, बाहर की ओर, मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसकी सरफेस पर किधर फोर्स लगता रहता है, प्रेशर लगता रहता है, आंसर बाहर की तरफ, ऐसे समझ में आ रही बात, कितना लगता है ये फॉर्मूला हो गया इसका, फोर्स पूछे तो ये बताएंगे, प्रेशर पूछे तो ये बताएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग इसको कैलकुलेट किया हमने, तो इसके बाद एक छोटी सी बात और आती है, किसी का एक नया कॉन्सेप्ट, अगर अपन आप लोग इसको देख सकते हैं डेरिवेशन को, इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और करूंगा, एक छोटा सा टॉपिक ही है वो, जब भी प्रेशर गेन लगता है या फोर्स गेन लगता है तो उसके अगेंस्ट कुछ वर्क भी किया जाता है, उसको अगर मैं डिस्कस कर देता हूँ बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग बड़े समझदार हैं। देखिए ये टॉपिक हमारा हो गया, अब हम निकालना चाहते हैं, पहले मेरे कॉन्सेप्ट में एक चीज का जवाब दीजिए, सपोज ये एक मेरे पास कंडक्टर है, राइट, इसको हमने चार्ज दिया, ठीक है, सपोज मैंने अभी इसको 2 कूलम चार्ज दिया, फिर अब इससे मुझे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ। अब मैं चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो और स्ट्रांग हो, विद्युत क्षेत्र और स्ट्रांग हो, कैसे हो सकता है, इसको और चार्ज दो, यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हम जैसे जैसे इसको चार्ज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ाएंगे, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी हैव टू प्रोवाइड द मोर चार्ज टू दिस कनेक्टर, हमें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर मैं और ज्यादा चार्ज देता हूँ, ध्यान से इस चीज को समझ में आया, बहुत ध्यान से, जैसे ही मैं और चार्ज देता हूँ, मैंने चार्ज और दिया, तो मुझे बताइए इन चार्जेस के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा कि घटेगा, आंसर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मींस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ रहा है, अभी भी हमने पढ़ा, क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज जैसे ही देंगे डेंसिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक प्रेशर बाहर की ओर बढ़ेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इसको चार्ज देता हूँ और अभी मैं वो बाहर से चार्ज लेके आके इसको और इसको चार्ज देना चाहता हूँ, तो ये इसको रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, या इलेक्ट्रिक प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, आंसर में लगेगा। तो अब ये अपने आप से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन है, जैसे मैंने जाना ये मना करेगा कि मैं नहीं जाना चाहता, रिपल्शन है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक प्रेशर है, तो यह फोर्स है, दोनों ही चीज कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है बाहर की ओर। तो मुझे ये बताइए जब ऐसा है तो क्या ये अपने आप आएगा, नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, इट मींस हमारी फिजिक्स की भाषा में वी हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसको और चार्ज देने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, वी हैव टू डू सम वर्क। और ये हमने हमेशा पढ़ा है, लॉन्ग क्लास में हमने बेसिक सीखा था कि जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा वर्क कहाँ चला जाता है, तो आंसर है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है, कहीं ना कहीं एनर्जी बन जाता है। यहाँ कैसे होगा, तो देखिए इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी कंडक्टर के हम जानते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों ओर, हम जैसे चार्ज को देंगे वी हैव टू डू सम वर्क, हम जो कार्य करते हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस
इलेक्ट्रिक फील्ड में एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? उस एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है, अब चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ रहा है, अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, बाहर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि चारों तो बहुत चार्ज हो सकते हैं, पर्टिकुलर किसी जगह यूनिट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट कर लूँ, या उसको कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं, तो फिर से डायग्राम बना देंगे, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी, या इस भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी में वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी, उसको डेंसिटी कहते हैं। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी होगी, यू कैन कैलकुलेट। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं सपोज एक कंडक्टर, और सबसे इजी कंडक्टर वाले स्क्वायर होता है, और स्क्वायर ले लेते हैं, इसको जैसे ही चार्ज देते हैं तो आपको जब पता है जब ऐसे चार्ज दे दिया तो ये ऐसे, ठीक है, इस पर एक आउटवर्ड प्रेशर लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर, हमने पढ़ चुके हैं हम लोग अभी। अब आती है बात की ये देखिए, अभी हमने सीखा कि जैसे चार्ज देते हैं तो फोर्स इलेक्ट्रिक प्रेशर किधर उसको लगता है, उसमें प्रेशर आंसर बाहर की तरफ। इट मींस अब थोड़ा हाइपोथेटिकली सोचेंगे, मतलब सच में तो ऐसा दिखता नहीं है, बट हमें कैलकुलेशन करने के लिए इमेजिनेशन करनी पड़ती है, दैट इज हाइपोथेसिस। तो हम लोग ऐसे कार्टून रूप से सोचें कि अगर ये मैटर तो प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़े ऐसे बढ़ेगा थोड़ा सा, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करना चाहते हैं, हम जैसे ही वो देखो वो प्रेशर आपको इधर लग रहा है, उसके अगेंस्ट आपके चार्ज भेज जाए, तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस, हमें उसके उल्टा ऐसा काम करना पड़ेगा। तो हम जब ऐसा उल्टा करेंगे तो बढ़ना चाहता है, हम उसको उल्टा ऐसा क्या करेंगे दबाएंगे। तो इट मीन्स सपोज इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, और आप लोग मैं जैसे इस पर वर्क करता हूँ और इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेता हूँ, मतलब कंप्रेस इन द सेंस इसको थोड़ा सा दबा, कंप्रेस को हिंदी में बोलेंगे कि इसको थोड़ा सा प्रसार विपरीत, प्रसार से विपरीत कर देते हैं, थोड़ा दबाते हैं। तो और सपोज ये डी आर डिस्टेंस से हमने दबाया है, ये थोड़ा सा जो डी आर है उससे दबाया, तो अंदर वाला जो बच गया वो क्या, उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी, आर माइनस डी आर, ठीक है, आर माइनस डी आर, क्योंकि डी आर से मैंने इसको कंप्रेस कर दिया बाहर से पढ़ने के। तो ये इमेजिनेशन कैसे कर पा रहे हैं, देखिए सपोज हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है या जो तो दाब है, इसकी सतह पर कितना होता है, आंसर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अरे ये दाब है तो फोर्स कितना होगा, हम लोग जानते हैं फोर्स, देखो पी क्या होता है, फोर्स प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, देन फोर्स क्या होगा पी इंटू ए, तो पी इंटू ए, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा इस सरफेस पर, देखो बाहर वाली बड़ी सरफेस है ना, उस सरफेस की बात क्या, उस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना था तो उस पर फोर्स कितना होगा, तो आंसर पी इंटू ए, ए क्या है इसका एरिया, सरफेस एरिया, तो लिख सकते हैं, तो पी की जगह सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना है, आंसर फोर बाई स्मॉल आर, रेडियस मानी है फोर बाई आर, इतना फोर्स लगेगा किस पर, इस सरफेस पर इधर है से बाहर की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, इस फोर्स के अगेंस्ट जो लग रहा है ये फोर्स ऐसे सरफेस बाहर, मुझे इसको डी आर कंप्रेस करना है, इस तो ये डी आर करना चाहता तो मैंने इसके अगेंस्ट कर दिया, तो इस फोर्स के अगेंस्ट अगर मुझे कंप्रेस करना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डी आर कंप्रेस करना है तो मुझे सपोज डी डब्ल्यू वर्क करना है, कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसके विपरीत इस फोर्स के, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके विपरीत मुझे उतना ही लगाना पड़ेगा, इसके इक्वल है ना फोर्स, तो उतना ही फोर्स, और कितना कंप्रेस किया डी आर कंप्रेस किया, इतना काम हमें करना पड़ता है, दिस वर्क वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क हो गया, और फोर्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, ये इतना वर्क हो गया। ओके, अब यहां
यहाँ पर एक चीज देखिए छोटी सी, दिस टर्म 4πr² एरिया, दिस इज एरिया सरफेस एरिया इनटू dr, मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा हमें, वॉल्यूम। यस आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डायमेंशन है, यूनिट है मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, तो मीटर क्यूब क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो कभी भी आप इस तरह के टर्म्स को ध्यान रखें, जब भी एरिया किसी डिस्प्लेसमेंट या लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैन बी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। और डी आर है छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी, बिकॉज़ डीवी क्यों लिखा, क्योंकि डी आर छोटा सा है तो वॉल्यूम भी कितना चेंज हुआ है, छोटा सा, डी भी चेंज हुआ है। ओके और ये जो वर्क डन है, हम ये कह सकते हैं दिस वर्क जो हमने किया डी आर कंप्रेस करने, इतना वर्क किया, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ स्टोर हो जाएगा दिस वर्क। तो ये सिमिलरली वही प्रोसेस आ गया जो हम पोटेंशियल एनर्जी में सीखते थे, कि वो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है किसी भी बल के विरुद्ध किया गया काम। तो ये वाला जो वर्क डन है ऐसे पोटेंशियल एनर्जी से हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं डी यू लिख सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो देखो क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी, बट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में डिवाइड कर दो, दिस विल बी डी यू अपॉन डीवी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दिस विल बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं कि हम जानते हैं कि प्रेशर बाहर फैलाना चाहता है, उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं ताकि, और जो अगेंस्ट वर्क करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिग्मा को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके स्क्वायर के बड़े पास में होता है, अभी कैलकुलेट किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी जस्ट किया था हमने, इतना होता है। तो आप सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की जगह पुट कर दो, देन यू पर वॉल्यूम क्या बनेगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यूनिट पर वॉल्यूम बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी। ओके ये हम लोगों ने बात की इस बारे में, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, देन दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इसके बाद मेटल्स वगैरह है वो हम लोग अलग से करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन या साम्यावस्था इन ए चार्ज सॉप बबल, चार्ज सॉप बबल मतलब किसी साबुन के बुलबुले में साम्यावस्था, तो साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें साम्यावस्था, मैं हिंदी लिखता नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप समझ लो, सॉप बबल होता है साबुन का बुलबुला होता है कैसा होता है उसको पहले इमेजिन करें। देखिए वाटर ड्रॉप और सॉप बबल दोनों में काफी अंतर है, पानी की जो बूंद होती है वो पूरी अंदर से भरी होती है पानी से, बट सॉप बबल क्या होता है, उसके अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, बस यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस या मोटाई होती है किसी साबुन के सॉप की, ठीक है। तो एक चीज हम लोग 11th क्लास में जब पढ़ रहे थे हम लोग ये टॉपिक प्रेशर वाला और ये फ्लूइड्स वाले चैप्टर में गर्म वाले में, तो हमने सीखा था यहाँ पर कि जो बाहर साबुन में जो बबल है उसके बाहर से जो प्रेशर होता है उसकी कंपैरिजन में अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है सरफेस टेंशन की वजह से बनता है, वो क्यों होता है, उस सॉप बबल को बनाए रखने के लिए।
उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर या दाब आधिक्य। तो एक्सेस प्रेशर सॉफ्ट बबल में, एक्सेस प्रेशर या दाब आधिक्य कहते हैं उसको, दाब आधिक्य, अधिक दाब। तो वो एक्सेस प्रेशर जो होता है सॉफ्ट बबल में, उसका फॉर्मूला होता है 40/R। व्हाट इज टी? टी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव होता है आर, उसकी सॉफ्टी रेडियस होती बबल की। तो इतना ये हमने इलाज में पढ़ा है, तो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये एक्सेस प्रेशर होता है। अब ये तो तब हुआ जब वो चार्ज नहीं था। अब सपोज हम इसको चार्ज देते हैं, तो अभी हमने सीखा किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जब जाता है तो चार्ज क्या करता है उस पर? तो आंसर है एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करता है, किधर की ओर? आउटवर्ड, बाहर की तरफ उस बबल। और ये एक्सेस प्रेशर भी किधर था? सॉफ्ट बबल के अंदर से एक्सेस प्रेशर किधर लग रहा था? बाहर की ओर। तभी तो ऐसे बनी नहीं थी बबल, ये बाहर से प्रेशर था उसके अगेंस्ट, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसके अगेंस्ट बाहर लगता है। तो एक बात देखिए, ये प्रेशर भी बाहर लगता है, और अगर मैंने चार्ज दे दिया तो वो प्रेशर भी किधर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। तो दोनों प्रेशर मिला के, अब देखो एग्जैक्टली ये प्रेशर जो है, एक्सेस जो है, अधिकतम जो प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर 40/R होना चाहिए, क्योंकि उतना प्रेशर पे वो संतुलन में है, ठीक है, उस प्रेशर पे वो इक्विलिब्रियम में है। इससे कम ज़्यादा होगा तो वो बबल टूट जाएगा। तो हम लोग ये होता है, अब ये समझना है, जैसे चार्ज दिया तो ये वाला प्रेशर जो एक्सेस था उसमें एक प्रेशर और जुड़ गया, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत वाला, जो हमने चार्ज दिया उसकी वजह से। अब भी दोनों में टोटल क्या आना चाहिए? 40/R, मतलब एक्सेस प्रेशर कोई अलग से प्रेशर नहीं था, ये अंदर जितना प्रेशर था जो ज्यादा था बाहर की तुलना, उसका नाम क्या था? एक्सेस। वो था किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो उस प्रेशर पे एक चार्ज और जुड़ गया, तो वो मिला के क्या बनेगा? अब ये इतना बनेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो ये दोनों मिलाकर कितना बनेंगे? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए चार्ज बबल। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। सपोज मैं चार्ज बढ़ाते जा रहा हूँ, और आपको ध्यान से समझना है, मैं अगर चार्ज बढ़ाते जा रहा हूँ तो क्या होगा? एक्सेस पीई बढ़ेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ेगा तो किसको कम होना पड़ेगा? उस वाले को कम होना पड़ेगा, पी एक्सेस वाले को। तो दोनों का सम क्या है? 40/R। तो ये हम जानते हैं, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरे को घटना पड़ेगा। और चार्ज बढ़ाते 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जीरो हो जाएगा और ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा? 40/R। इट मींस यहाँ पर पी एक्सेस प्रेशर क्या हो गया? जीरो हो गया इस सिचुएशन पे। अगर मैं उससे ज्यादा और थोड़ा सा भी चार्ज दूंगा तो वो ये बढ़ेगा, बट ये 40/R से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, और क्या हो जाएगा? बबल टूट जाएगा। तो आपसे पूछा जाए, अब ये सिचुएशन आ गई कि मैक्सिमम कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रिक प्रेशर हो सकता है? तो आंसर इतना हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इस सिचुएशन पे मैक्सिमम जब सिचुएशन आ गई है, उसका फर्क अगर कंसीडर करें इलेक्ट्रिक PE की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 40/R, क्योंकि EX तो एक्सेस तो जीरो हो चुका, ये मैक्सिमम वाली सिचुएशन है। इस मैक्सिमम सिचुएशन पे हम बोलना चाहते हैं कि बताओ किसी भी सॉफ्ट बबल में कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेंसिटी हो सकती है। तो डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? तो आंसर है उतनी कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाए, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो सिग्मा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? 8T/R का अंडर रूट। हम बोलना चाहते हैं सॉफ्ट बबल की रेडियस क्या होगी उस टाइम पे, तो आप आर को निकाल दीजिए। आर कैसे निकलेगा? सेम 8T/σ² का रूट दिया जाएगा, और हमारे पास सिग्मा है तो क्यों निकल जाएगा, ठीक है, चार्ज निकाल सकते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज देते जाएंगे तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ता है और पी एक्सेस कम होगा, क्योंकि दोनों बैलेंस जरूरी है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, और या फिर हम उसको ऐसे भी लिखते हैं कि इस इक्वेशन को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये देखिए पीई को इधर रखा, आप इसको उधर ले जाइए, 40/R माइनस कर दीजिएगा पी एक्सेस, ओके सॉरी पी एक्सेस इधर रखते हैं, पी एक्सेस इधर रखो और पी ई इधर ले जाओ। अब देखो पी ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कब? जब मैं चार्ज देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, पी ई बढ़ता 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 क्या होगा? बराबर आएगा, पी एक्सेस क्या बन जाएगा? जीरो। वही हम कह रहे हैं कि पी एक्सेस क्या बन जाएगा टाइम पे? जीरो। सारा का सारा जो एक्सेस प्रेशर की जिम्मेदारी कौन ले लेगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपने आई होप बड़ा अच्छे से सीखा, आपको अगर समझ आया, पसंद आया वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।